डेफिनेटली अगर यहाँ पे आओगे तो आप लोगों के सामने ये ट्राउट फिशेस इस तरह से कुछ इस तरह से आप लोगों का वेलकम करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर डे। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ओके गाइस, तो फाइनली जिस तरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मैं रेडी होकर निकल चुका हूँ। आज है भी संडे, तो जिस तरह आपको पता है कि हम लोग हर संडे को अपने इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर क्लिक करने बाहर जाते हैं, सही है। तो एज़ यूजुअल आज भी मैं रेडी होकर निकल चुका हूँ। आज मेरे साथ होगा सलमान, जो कल के वीडियो में जब हम लोग उसके जिम में गए थे और उसके लिए रील्स बनाए थे, वही वाला, सही है। तो अभी बस मैं निकलने लगा हूँ। अभी तकरीबन सुबह के बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं सुबह के। थोड़ी देर पहले मैं उठा था, उठने के बाद नाश्ता किया, अभी बस निकलते हैं यार। बाकी आज ये वाला बाइक लेके जाएंगे, क्योंकि आज संडे है, तो ये बाइक घर पे होता है और मेरा वाला वहाँ पे खड़ा है, जिस तरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बस अभी मैं रेडी टू गो हूँ, अभी डायरेक्टली बाइक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जाके सलमान को उठाते हैं, उसके बाद फिर किसी अच्छी सी लोकेशन में जाके पिक्चर बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। उसके लिए भी क्लिक करना है, वो मेरे लिए क्लिक करेगा। तो सबसे पहले मुझे जाना होगा, सलमान को उठाना होगा, सही है। तो अभी मैं निकलने लगा हूँ यार, सो लेट्स गो। आ जाओ यार, बस अभी निकल दे। बाकी मैं शूज़ पहने गया था, तो मैंने शूज़ पहन लिए, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। लेस वगैरह मैंने टाइट नहीं किया, क्योंकि गर्मी लग रहा था इसलिए। तो अभी बस एज़ यूजुअल जाके गेट खोलते हैं। सबसे पहले गेट खोलना, उसके बाद फिर जाके बाइक उठाते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं यार, जिस जगह की मैं बात कर रहा था। लेकिन हम लोग तकरीबन सुबह निकले थे 11 बजे, उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत काम पर गया था। अभी बाइक यहाँ पे पार्क कर दिया है, अभी चलते हैं यार। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, एक फिश फार्म है, इसके अंदर हम लोग तकरीबन पिछले साल भी आ गए थे, वो व्लॉग भी पड़ा होगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों को, वो भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग। बाकी कुछ इस तरह का पहला यहाँ पे इंटर होते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ लो जिसको पढ़ने का शौक है, तो आ जाओ यार। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग अंदर इंटर हो चुके थे। बाकी आप लोगों को इंट्रेंस में कुछ इस तरह के सीन्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे पानी चेकआउट कर लो। बाकी ये वाटर पूल, जो भी कह सकते, इसके अंदर मछलियाँ तैर रहे हैं। सबर, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। बाकी पिछले साल में भी आ चुका था, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया गया था, यहाँ से सर बचा के जाना होगा, क्योंकि हमारा सर ऊपर लगेगा। तो फाइनली अगर यहाँ पे आओगे तो आप लोगों के सामने ये ट्राउट फिशेस इस तरह से कुछ इस तरह से आप लोगों का वेलकम करेंगे। ओके गाइस, जिस तरह लोगों ने देखा, हम लोग अंदर इंटर कर चुके थे। बाकी थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों के मछली आप लोगों को दिखा दिया। बाकी ये सारे ट्राउट से यार, अभी यहाँ पे देखो क्या ही रश लगा हुआ है इनका, ये चेकआउट कर लो। बाकी आ जाओ, मैं सबसे पहले आप लोगों को इस जगह का ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद आराम से इनके बारे में आपको बताता हूँ।
ओके यार, तो फाइनली मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत सिनेमैटिक मैंने बना दिया है, तो आप लोगों ने वो देख लिया होगा। बाकी यहाँ का फुल डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल में पहले से ही पड़ा मिलेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर ले। बाकी यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ये तकरीबन छोटे छोटे मछलियाँ हैं। आपको बताते चलूँ कि यहीं पे इनका ब्रीडिंग होता है, उसके बाद यहाँ पे लाइक इस तरह के पूल बने हुए हैं यार, एक यहाँ पे बना है, एक यहाँ पे और एक दो इस साइड पे बने। बाकी मैं अभी जाता हूँ जिस जगह इनका ब्रीडिंग होता है, वहाँ से भी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे भी छोटे छोटे हैं, यहाँ पे चिल करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है यार, जैसा कि यहाँ पे आप बैठ सकते हो, बाकी आप इंजॉय कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले ही सनसेट हुआ था, कुछ इस तरह के सीन्स है यहाँ पे। आ जाओ आपको दिखाते चलूँ, यहाँ पे और भी होंगे शायद, जहाँ पे इनको ब्रीडिंग करने के बाद जब ये बहुत छोटे छोटे उस वक्त यहाँ पे देख लो। पता नहीं क्यों ये सारे मुझे देख के भाग रहे हैं, जब भी मैं वीडियो करने के लिए कैमरा इनके साइड कर देता हूँ तो ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं यार, ये तो मुझसे भी ज़्यादा शाह है। यहाँ पे कुछ इस तरह से पानी जाता है इनके लिए, यहाँ से नीचे इस तरह। सबसे मज़े की बात ये है कि ये सारे ट्राउट मछलियाँ हैं, सही है, इनके बोनलेस होते हैं ये, तो इनके अंदर कोई बोन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा आ जाओ, जैसा ये पूल है यहाँ पे भी छोटे छोटे हैं, वहाँ पे भी दो वहाँ पे थे, दो वहाँ पे। जब ये सबसे बड़े हो जाते हैं तब इनको यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हो सबसे बड़ा। इसके अंदर आपको जो इनके फुल ग्रोथ है वो वाले आपको मिलेंगे, ये जो यहाँ पे भी फुल विजिबल है, पानी भी काफ़ी साफ है। तो अभी बस यहाँ पे देख लो, तो गाइस ये था यहाँ का फिश फार्म जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है, सही है। यहाँ पे इसके साथ ही लाइक उस साइड पे एक और है जो कि बंदे का अपना प्राइवेट है, वहाँ पे 3-4 पूल वहाँ पे भी है, तो हो सका तो वो किसी और दिन नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि यार आज काफ़ी शाम हो गया है जिसकी वजह से इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आएगा वहाँ पे। उसमें कोई ये कंक्रीट वाल कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बस बड़े बड़े जैसा वहाँ है ना पूल, उसी तरह सारे पूल उसी तरह के पूल है वहाँ पर, तो वो हम किसी और दिन एक्सप्लोर कर लेंगे, वहाँ पर भी जाएँगे। बाकी जो पिछला ब्लॉग था उसमें दोनों का मैंने बनाया था, इसका भी और उसका भी, तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे देख लो। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठते हैं यार, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग घर जाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं आगे जाके घर जाके आप लोगों से मिलूँगा, सही है। तो लेट्स गो। ओके गाइस, तो फाइनली मैं घर पहुँच गया था यार, अभी बस आ गया हूँ, बाइक भी यहाँ पर पार्क कर दिया है मैंने, और ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ का ही आपको मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी मिलेगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, वहाँ जाके भी फॉलो कर देना। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।